डेवलपर। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हमारे जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो अंडरस्टैंड कैसे करें कि वो क्या चाहते हैं और वो आगे जा रहे हैं या नहीं। अजीब सा टॉपिक लगेगा लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सारे वीडियो को देखिएगा और उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलते हैं वीडियो की ओर और ये ढूंढने कि हमारे जो टीनेजर्स हैं या कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो कैसे समझें कि सक्सेस क्या है और हम उसको अचीव कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो ज़िंदगी है वो चुनाव का ही परिणाम है। आप जिस सब्जेक्ट को चुनते हो उस टाइम पे आपकी कॉलेज लाइफ जो स्टार्ट हो रही है, जो सब्जेक्ट आपने लिए हैं वो अपने आप चुन कर लिए हैं और आगे जो फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं उन पर डिपेंड है। तो जो कुछ करें बहुत सोच समझ कर करें। जो आप कर रहे हैं वो अपनी ज़िंदगी का बेस रख रहे हैं, यानी कि उसके बाद आपकी जो बिल्डिंग खड़ी होगी, आपके करियर की जो बिल्डिंग खड़ी होगी उस बेस पे होगी। तो ध्यान रखिए इस टाइम पे आपका चुनाव बेस्ट होना चाहिए क्योंकि ये पूरी लाइफ को, पूरी लाइफ के लिए आप चुन रहे हैं। तो ज़िंदगी चुनावों का परिणाम है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा मैंने क्यों बोला। नेक्स्ट, अगर आप गिर गए हैं और उठते नहीं तो आप हार गए हैं, यानी कि गिर के जो उठते हैं वही जीतते हैं। गिरते तो सभी हैं, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो गिरा नहीं है, लेकिन गिर के जो उठ के चला, जो आगे बढ़ते हैं ना, जो टॉपर्स होते हैं वो 10 बार गिर के भी कहते हैं नहीं मैं करूँगा, लेकिन जो टॉपर्स नहीं होते वो एक बार गिरे तो कहेगा नहीं मुझे नहीं करना है। तो आपको ऐसा नहीं बनना है। चाहे आप एक बार गिरो, 2 बार गिरो, 3 बार गिरो, कोई मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप गिर के उठे और चले, उसके बाद आपको सक्सेस मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस कि आप कितना करते हैं, यानी कि आपको दिखावा नहीं करना है कि मैं कर रहा हूँ, अपने अंदर से करना है कि मैं कर रहा हूँ और मैं करता रहूँगा, ये अपने अंदर भर लेना है। दूसरों को हराने के लिए कुछ नहीं करना है। कई बच्चे ऐसे होते हैं कॉलेज टाइम में कि इसके इतने परसेंट आए हैं मैं इतने परसेंट लेके दिखाऊंगा, ये एक अच्छी आदत है। लेकिन सोचिए इस बारे में, दूसरों से कंपटीशन नहीं करना है। दूसरों से जो कंपटीशन करते हैं वो नहीं जीतते हैं, अपने आप से जो कंपटीशन करते हैं वो जीतते हैं। क्योंकि हमारे कई एथलेटिक्स आप लोग देखे होंगे अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते रहते हैं, और जब वो अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ना शुरू करते हैं ना, और आगे और आगे और आगे जाते जाते हैं। क्योंकि जब हम कॉम्पिटिटिव वे में जाते हैं कि मुझे उसने, उसकी वजह से मैं पढ़ रहा हूँ, तो अपना जो बैलेंस है, अपनी जो मेंटेलिटी है, अपनी जो पावर है, कहीं ना कहीं हम एंग्री होके, गुस्सा होके दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं कि उसके इतने हैं इसलिए मुझे ज़्यादा लेने हैं। दूसरों के ऊपर अपना बैलेंस मत दीजिए, यानी कि अपनी बात तो दूसरों के लिए नहीं, अपने हाथ में लीजिए और आपको कितना चाहिए, अपने लिए आप कितना करना चाहते हैं वो कीजिए। तो ये थे कुछ स्पेशल टिप्स कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, और प्लीज़ इनको फॉलो कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। आप आगे बढ़ेंगे, भारत आगे बढ़ेगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। बाय बाय।